गाइस, तो हम सारे दमन जा रहे हैं यहाँ से और फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम निकल रहे हैं। क्या कर रही है? मैं बहुत गंदी सी लग रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई हूँ। हाँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइज, हम आपको रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी होगा, हम सारी अपडेट देते रहेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो हम यहाँ अपनी गाड़ी में CNG भरवा रहे हैं। हम पहले सूरत से वलसाड़ जाएंगे, वहाँ हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, और वहाँ से उनको लेकर फिर हम दमन जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ तक में CNG कितनी लगती है, कितना कॉस्ट लगता है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि अभी गाड़ी में बिल्कुल भी CNG नहीं थी, तो मतलब CNG भरवा रहे हैं तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने की CNG लगी है, आपका क्या कॉस्ट लगेगा यहाँ से दमन तक जाने में। गाइस, फाइनली हम पूजा के पास पहुंच गए हैं। भाग रही है। पूजा भाई है। तो गाइस, फाइनली हम सारे पहुंच गए हैं पूजा के पास और यहाँ से हम सारे दमन जाएंगे इसको उठा के। चलो गाइस, दिस इज पूजा'स होम इन वलसाड़। साढ़े छह बजे हम लोग बाहर से। गाइस, हम पूजा के घर पे गांव वाली फीलिंग ले रहे हैं। हम सबको बहुत मजा आ रहा है, ये झूला झूल रही है। तो गाइस, मैं भी झूला झूलने जा रही हूँ। यार रोकना मुझे बैठने से। ये तू भी ऐसे, तेरे अमीरा कैसे चलेगा? तो गाइस, फाइनली हम यहाँ गांव वाली फीलिंग ले रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ के। पता है ऐसे झूले में कहाँ झूली थी, बहुत जल्दी वाघेचा। हाँ सीरियसली यार। तो गाइस, ये पूजा का घर है और यहाँ बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, एक्चुअल में है गांव ही, ये वलसाड़ में है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हम यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूजा के घर पे ये एक मंदिर भी है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये पूजा का ही मंदिर है, तो हमें यहाँ पे भी बहुत मजा आता है। आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग है। दैट्स व्हाई वी आर एंजॉयिंग हियर, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। प्रिया के एक महीने का बर्तन नहीं है। पागल, जहाँ लगाया जाएगा वहीं होगा। चीकू बड़ा बड़ा होगा ना, तब ले ले। तो पकड़ो, जा रही हूँ। जा, चालू है ना कैमरा? गाइज सी, ये लोग आज जा रहे हैं चीकू के बगीचे में, आए हैं चीकू की वाड़ी में। ये सब पूजा के घर के पास है, नहीं पूजा के घर पे है ये सब, आप देख सकते हैं। वाव, अमेजिंग यार, बहुत सारी चीकू हैं। इतने सारे चीकू बता, रुद्र अच्छे लग रहे यार। ये खा सकते हैं उड़ के? अभी तो मेरे खाते हुए नहीं। ये बोल रही रुद्राक्ष का पेड़ होता है क्या? होता है देखे। ओए, जैसे के ये चीकू है ना, ऐसे केरी लटकती है, बहुत मजा आता है फोटो खींचने की। बोल अने प्रिया। तो गाइस, फाइनली हम सारे कहाँ निकल गए? दमन, दमन। तो हम वीडियो वहाँ कंटिन्यू करेंगे। हम सारे यहाँ से दमन के लिए निकल रहे हैं। ये मिलवा दे आंटी जी से। हे, ये हमारी आंटी है, ये पूजा की मम्मी है, हम सब की मम्मी है। चलो गाइस, ये एंड आई एम द ड्राइवर, आई एम गोइंग टू ड्राइव माय कार और मैं सबको पहुंचाऊंगी दमन। देखो, दमन ही पहुंचाती हूँ या कहीं और पहुंचा दूंगी, लेट्स सी। कहीं और नहीं पहुंचाएगा दमन तो पहुंच ही जाएंगे। तो आप सबको दिखाई दूंगी आगे की हमारी व्लॉग। गाइस, तो फाइनली हम दमन पहुंच चुके हैं और दमन पहुंचते ही
हमारे हमारे टीम की सबसे सबसे पेटू मेंबर का पीना चालू हो गया है नॉट दारू इट्स अ लेमन जूस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ गाइस तो हम थोड़ा पहले आ गए थे क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि बिल्कुल भी हम कोई भी सीन मिस करें तो इसलिए जिस साइड हम थे देवका बीच पे उस साइड बहुत ज़्यादा धूप थी तो इसलिए हम उसके दूसरी साइड आ गए हैं और दूसरी साइड का नज़ारा भी बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत सुंदर देखने में है मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम रखी थी तो यहाँ पे एंड यूज टॉयलेट भी है जहाँ पे मैंने 5 रुपये देकर वॉशरूम यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारे कैफेज भी हैं खाने पीने के लिए इट्स अ नाइस प्लेस गाइस तो हम लाइट हाउस बीच पे आए हैं और हम ये राइड लेने जा रहे हैं मैं और गोल्डी हम दोनों साथ में राइड ले वो भैया हमें राइड देने जा रहे हैं उनको हंसी आ रही है देख के ये इसको दे दी वीडियो सिंगल अच्छा पहले बैठ ले रेगुलर वाले ऐसा हो तो सिंगल तो कुछ दूर तक जंप 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 मान चुप रहा तो चिल्ला क्यों रही है इतना डर लग रहा है मेरे डाल दे तो गाइस हमने लाइट हाउस बीच देख लिया और एक ही दिन है हमारे पास तो हम ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे बीचेस कवर कर ले तो अब हम यहाँ से जम्फोर बीच जा रहे हैं मुझे अभी तक जम्फोर बीच ही नाम पता है तो हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इट्स सो ब्यूटीफुल तब हम यहाँ से जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ तो ये बहुत सुंदर लग रहा है गोवा जैसा तो नहीं है बट हाँ ठीक है अच्छा है इसको इसको मैडम को देखो कहीं यहाँ फोटो लेनी है मैं भी आ रही गाइस ये एक सुंदर सा प्लेस लग रहा है मुझे तो मैं यहाँ एक पिक्चर क्लिक करने वाली हूँ और मैं आप सबको पिक्चर क्लिक करके दिखाऊंगी कि ये पिक्चर में कैसा लगता है यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को है बट एक दिन में सब कुछ एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है तो मैं वीडियो बना ले रही हूँ यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर बोट्स भी दिखाई दे रहे हैं रोड भी कितना सुंदर लग रहा है और तो हम फाइनली जम्फोर बीच पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ ख़रीदने की चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें ट्राई कर रही हूँ गाइस कमेंट करके बताना कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है ये वाला मुझे तो नहीं अच्छा लगा गाइस मैंने ये चश्मा लिया है यहाँ से व्यू वो बना रही हूँ ब्लॉग बना रही हूँ कमेंट करके बताना आप सबको मेरा ये चश्मा कैसा लगा गाइस ये सनसेट व्यू क्या सुंदर व्यू है कैसे आना हुआ सडनली हो गया बस मिलने की इच्छा मन मन मन
गाइज हमें जम्पोर बीच पे पहुंचने में बहुत लेट हो गया था, ये सारे राइड्स जम्पोर बीच पे ही देखने को मिलते हैं तो इसलिए हम ये सारे राइड्स नहीं ले पाए, बट हमने वहाँ पे लोगों से पूछा और पता किया तो राइड के प्राइजेस ये सारे हैं, तो अच्छा है हम सारे राइड ले सकते हैं और हमारी भी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हम ये सारे राइड्स लें, तो हम ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेंगे और आप लोग भी ये प्राइजेस देख सकते हैं। गाइज़ ये व्यू बहुत ही सुंदर है, ये हमें देवका बीच पे देखने को मिलता है, वहाँ पे शाम के 7-7:30 बजे के आसपास का व्यू है, ये बहुत ही सुंदर है, इतना ये कैप्चर भी नहीं हो पाया जितना सुंदर ये लग रहा है एक्चुअल में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मतलब नेचुरल व्यू है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और आप सब भी यहाँ पर ज़रूर आओ और ये व्यू देखो। गाइज ये दमन में देवका बीच के सामने का व्यू है, नाइट का व्यू है, ये बहुत ही सुंदर व्यू है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, मॉल्स ने एक्चुअली लड़कियों के लिए शॉपिंग एरियाज हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे लड़कियों की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ड्रेसेस मिलते हैं, इयररिंग्स मिलती हैं, तो वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे आजू बाजू में ही, तो ये बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए तो स्पेशली, और एक्चुअली हम सबका आने जाने का पूरा कॉस्ट 1000 लगा है, हमने सूरत से वलसाड़ और वलसाड़ से दमन में जितना भी हमने घूमा है उन सब में 1000 ही लगा है। गाइस खाना पीना अलग है इसमें।